करकट चुनकर जीव को पाचन करते हैं ये लोग। बेरोजगारी से तंग आकर लोग कूड़ा करकट चुनकर अपना जीविका पार्जन कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला गिरिडीह जिले से आया है, जहां पर कुछ लोग छोटे छोटे बच्चे महिलाएं कूड़ा करकट चुनकर अपना पेट भर रही हैं। आपको बता दें कि झारखंड के कई जिलों में सुखाड़ घोषित कर दिया गया है, जिससे वजह से लोगों के पास काम नहीं करने की वजह से लोग कूड़ा करकट चुनकर अपने बाल बच्चों और परिवार का पेट भर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि सरकार आज हम लोगों को काम देखे, आज हम लोग कबाड़ का काम नहीं करते। नमस्कार जोहार, अभी आप लोग देख रहे हैं स्टार सिटी 24 बिहार झारखंड, और अभी हम लोग झारखंड राज्य के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के, अभी हम लोग बारासोली चौक के समीप में भी है, और यहां से अभी हम बारासोली से गिरिडीह जा रहे थे। तो गिरिडीह जाने के क्रम में कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिला जो कि जाने का मन नहीं किया, थोड़ा रुक जाना पड़ा। तो क्यों रुकना पड़ा, चलिए ये चीज हम आप लोगों को बताते हैं आज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो बच्चे लगभग, जैसे आप देख सकते हैं ये बच्चे का जो उम्र होगा, ये लगभग कहा जाए तो लगभग 7 साल, उससे अधिक नहीं होगा। और इधर आप देखिएगा वो बच्चा को, तो ज्यादा नहीं 7-8 साल होगा, उससे भी ज्यादा नहीं होगा। और ये कोई काम नहीं करते, ये क्या काम करते हैं, बस इधर आओ, ये कोई काम नहीं करते, ये क्या करते हैं कि सब जितना भी बोतल या कोई भी चीज रहता है उसको उठा करके बेचने का काम करता है, और इसको ले जा करके 1-2 रुपया में बेचने का काम करता है। तो चलिए हम जानते हैं कि ये कितना मेहनत करते हैं और कैसे ये कहाँ पे कैसे देते हैं और क्या करते हैं अपना पेट चलाने के लिए और कैसे ये सब क्या करते हैं, चलिए हम थोड़ा इनसे बात करते हैं। इधर आओ। सबसे पहले आप बताइए, आप कितना दूर से यहाँ पे, मतलब ये काम कर रहे हैं? यहीं मादैया से। मादैया से, मतलब आप लोग का अपना गांव कहाँ हुआ? गांव मेरा तो किसगो था, दादा परदादा का घर था जी। तो यहाँ पर बसेड़ा लिए हम लोग मादैया में जी, और इसी प्लास्टिक का काम कर रहे हैं इतने दिन से। अच्छा, इसमें 2-3 महीने से। अच्छा ठीक है, इसमें आप लोग का कमाई कितना होता है? वही 500 रुपया एक दिन में हो जाता है। मतलब आप लोग में एक जन का 500 रुपया होता है या सबका होता है? सबका, मतलब सब मिला करके 500 रुपया होता है। अच्छा, आप लोग रहते कहाँ पे, अपना घर में रहते या कैसे रहते हैं आप लोग? हमारा घर कोई भी नहीं है, बसेड़ा नहीं है हम लोगों का, हम लोग ऐसे ही भटकते बोलते हैं। अच्छा, मतलब आप लोगों को जहाँ मन किया वहाँ आप लोग रह लेते हैं? हाँ, इसी तरह जहाँ मतलब जिधर गए तिधर रह लेते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग खाना मतलब कैसे आप लोग चलाते होंगे? हम लोगों का इसी में पेट पलता है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, आज आप सुबह खाना खाए होंगे ना? नहीं, सुबह खा के गए थे और बस यही समोसा का नाश्ता करें अभी। दो समोसा खा रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? लकीर मलार। लकीर मलार, चलिए और भी हम किन्हीं से जानते हैं। इतना दुखद दृश्य हम आप लोग को आज दिखा रहे हैं कि ऐसा कोई दिखा नहीं पाता है, या एक दर्दनाक के इस तरह से हम बोल सकते हैं, क्योंकि काफी खतरनाक ये सब संघर्ष कर रहे हैं, वो भी बच्चा में। दृश्य हम आप लोग को आज दिखा रहे हैं कि ऐसा कोई दिखा नहीं पाता है, या एक दर्दनाक के इस तरह से हम बोल सकते हैं, क्योंकि काफी खतरनाक ये सब संघर्ष कर रहे हैं, वो भी बच्चा में। बाबू, कितना दूर से आई है? हम मधैया। अच्छा, तो ये सब काम कितना दिन से कर रही है? मधैया से, 2 दिन से। 2 दिन से। अच्छा, ये आप पढ़ाई करते हैं? ना। अच्छा, जैसे कोई पढ़ाते नहीं है क्या? ना। तो कोई सरकारी स्कूल, अभी इतना सरकारी स्कूल खोला है, तो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए ना? ना, पढ़ना चाहिए। अच्छा, तो और चलिए हम इधर किन्हीं से जानते हैं। इधर। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को हम दृश्य दिखा रहे हैं, ये देखिए समोसा खा रहा है, जिसके कारण से इनका, ये चीज से इनका पेट चलता है। और ये काफी, इनमें थोड़ा सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, या जो भी है प्रशासन वगैरह जो भी है, किन्हीं को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत ये उम्र, अभी इन सबका पढ़ने का उम्र है, लेकिन ये सब क्या कर रहे हैं, अभी बोतल बेचते हैं, तरह तरह का काम करते हैं, वो भी ये उम्र में। तो चलिए बहू, तुम्हारा घर कहाँ पे है? मेरा घर है मादैया।
मतलब मदैया घर है या फिर वहाँ पे रुका हुआ ठहरा? डेरा है। अच्छा, वहाँ पे तुम लोग अभी डेरा लेकर के रह रहे हो? घर नहीं है। अच्छा चाची सबके करो। अच्छा आप लोग कितना दिन से ये काम कर रहे हैं? एक डेढ़ महीना से। अच्छा एक डेढ़ महीना से। अच्छा आप लोग पेट कैसे चलाते हैं? इसी से। अच्छा कितना कमाते होंगे आप लोग दिन में? इस दिन में 500। 500 रुपए कमाते? एक जन कमाते या सब कोई कमाते आप? नहीं सब। अच्छा आप जो है ये सब आपका कौन है? ये सब ये मेरा जेधिया है। अच्छा ये देवर है, नना दे तो वो भी देवर है, वो भाई है, वो पति है। अच्छा तो आप लोग कितना मेहनत करते हैं तो बच्चा लोग को पढ़ाते क्यों नहीं? हम लोग के कहीं अस्थाई नहीं तो कहाँ पढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा आप ये बात को लेकर के आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग घर दूरा बस बसेरा ये आप लोग मांग करते हैं? हाँ। आप क्या मांग करते हैं सरकार से? हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को बसेरा दे दे, कहीं एक जगह बस जाए हम लोग, उसी से हम लोग दिए। जी मतलब आपका कहना है कि कहीं हम लोग को रहने का सुविधा मिल जाए, बस वही, इससे आप लोग का मदद हो सकता है? मदद हो सकता है बस, उतना सरकार करा दे सकते हैं तो ठीक है। बाबू पढ़ने में मन लगता है? मन लगता है अभी। क्या बोला? मन लगता है पढ़ने में? मन तो लगता है मगर कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, बसड़ी नहीं। अच्छा मतलब मन लगता है लेकिन पढ़ने का कोई सुविधा नहीं है? नहीं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को बसेड़ा दे दे, कहीं एक जगह बस जाए हम लोग, उसी से हम लोग दिए। जी मतलब आपका कहना है कि कहीं हम लोग को रहने का सुविधा मिल जाए, बस वही, इससे आप लोग का मदद हो सकता है बस, उतना सरकार करा दे सकते हैं तो ठीक है। बाबू पढ़ने में मन लगता है? मन लगता है अभी। क्या बोला? मन लगता है पढ़ने में? मन तो लगता है मगर कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, बसड़ी नहीं। अच्छा मतलब मन लगता है लेकिन पढ़ने का कोई सुविधा नहीं है? नहीं है। तो जैसा कि देख सकते हैं अभी यहाँ पे हम जानने का प्रयास किए, ये सबको पढ़ने का भी जज्बा है, जुनून है, लेकिन ये सबके पास ऐसा कोई सुविधा नहीं है जिसके कारण से पढ़ाई नहीं कर पा रहा। और ये दृश्य एक तरह से खतरनाक है क्योंकि ये अभी बच्चा लोग का पढ़ने का उम्र है लेकिन इस तरह का काम कर रहे हैं, जो कि इनमें थोड़ा प्रशासन या सरकार को थोड़ा पहल ध्यान देना चाहिए और थोड़ा पहल करना चाहिए। तो आप लोग अभी देख रहे हैं स्टार सिटी 24 बिहार झारखंड। धन्यवाद।